कुछ ये हो रहा है कि कामिनी को पता चलता है कि धानी जिंदा है, तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर उसको मतलब वो किसी तरह से नहीं मरती है. एंड विप्लव यहाँ पे है, उसको हमेशा टेंशन रहती है, रहता है कि यार विप्लव धानी कहीं से मिलना जाए, इसलिए वो विप्लव को रोकने की कोशिश कर रही है किसी भी तरह से. यही कर रही है कामिनी. तो कामिनी काफ़ी से पहले काफ़ी पूजा करती है. हाँ, कामिनी पूजा करके आई है, ठान के आई है काली माता के सामने. उसने मतलब वो ठान लिया है कि विप्लव को वो किसी के पास नहीं जाने देगी. ये जो सिंदूर है इस पर सिर्फ उसका ही, उसी का ही हक है. तो ऐसा कुछ सीन होता है, कुछ ट्राई करती रहती है कि विप्लव को इम्प्रेस करे, विप्लव को बोले कि यार धानी 5 साल हो गया, मर गई है, भूल जाओ उसको. एंड वो उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रही है. तो आगे क्या, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा इश्क का रंग सफ़ेद है. हाँ, थैंक यू. यहाँ पे लुक्स रोज़ी बहुत अच्छे ही देते हैं. आई एम रियली हैप्पी अबाउट माय लुक, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करते हैं ये लोग लुक को लेके. सो इट्स वेरी नाइस. इसको लुक्स के बारे में कुछ बताएंगे. इट्स अ वेरी नाइस साड़ी दे आर गिविंग, ब्लाउज इज टू वॉक फॉर वन ब्लॉक टू टू. आप लोग इश्क का रंग सफ़ेद देखते रहिए और इस तरह से इशिता गांगुली को, कामिनी को प्यार देते जाइए, जैसे आप पहले से मुझे देते आए हैं. थैंक यू सो मच.